हेलो गाइस, आई एम रिक। वेलकम टू आवर चैनल। आप इस चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, डेफिनेटली। तो चलो आप सब्सक्राइब कर दिस चैनल को और मैं आपको कुछ वीडियो के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ओके, आज जिस टॉपिक का वीडियो होने वाला है वो एक लिटिल क्यूट सा राम जी और सीता माता की पेंटिंग होने वाला है, चिड़ी पेंटिंग होने वाला है मोलिक प्ले से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, कैसे क्या होगा। तो चलो और बाबा का बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ मिल रहा हूँ वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। चलो सो फाइनली पेंटिंग स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मैं आउटलाइन ड्रॉ करूंगा एक पेंसिल के हेल्प से। और कोई भी 3D पेंटिंग करने से पहले आउटलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नहीं तो बाद में क्ले सेट करने के समय प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, दिस इज द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज क्ले वर्क। सो हेयर आई एम यूजिंग फेविकल मोल्डेड क्ले एंड इट कॉस्ट ओनली 20 रुपीज। इसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स आपको मिलेगा, एक व्हाइट और एक ब्राउनिश ग्रे टाइप का। वो दोनों को अच्छे से मिक्स करके काम करना स्टार्ट करूँगा। आपको एक पाउडर भी ज़रूरत होगा, मैं एक टेलकम पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। क्ले को सेट करने से पहले फेविकॉल अप्लाई करूँगा और उसके बाद क्ले से जो क्रिएट करना चाहता हूँ वो कर दूँगा। मैं राम जी के फेस पे एकदम सिंपल तरीके से काम कर रहा हूँ। पहला आउटलाइन बराबर क्ले को सेट कर दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा क्ले से फेस का जो मिडिल पार्ट है वो कवर कर दिया। अब मैं सीता माता की फेस पे काम करना स्टार्ट करूँगा। पहले फेविकॉल अप्लाई करूँगा और उसके बाद क्ले। जैसे राम जी का फेस कंप्लीट किया वही सेम प्रोसेस में ये भी कंप्लीट कर दूँगा। अब मैं राम जी और सीता माता की हाथों के ऊपर काम करूँगा। पहले हाथ के बराबर क्ले ऐड करके एक टूल की मदद से हाथ का जो बेसिक शेप होता है वो दे दूँगा। और यस, ये वाला काम आप टूथपिक या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप इजीली कर सकते हो। ये नहीं कि टूल्स खरीदने के बाद ही आप क्ले वर्क करो, ये अच्छी बात नहीं होता है। और मेरे पास जब टूल्स नहीं था मैं कुछ रैंडम चीज़ यूज़ करके डिटेल वगैरह कर लेता था और मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हो जाता था। इवन अभी भी वो पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कोई चीज़ के लिए कोई काम आप रुको मत। ओके, बातों में मैं ड्रेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस एकदम सेम है। आपको दिखने में टफ लग रहा होगा लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ईजी है। आप जब ये वाला काम करोगे तब आपको पता चलेगा। येस, आई फॉरगॉट टू मेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब क्ले से कोई भी काम करोगे तब क्ले को पहली ज़्यादा क्वान्टिटी में तैयार मत करना। ओके, तैयार मतलब वो जो दो अलग कंपनीज थे ना उसको मिक्स करने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि क्ले मिक्स करने के कुछ मिनट बाद ही थोड़ा थोड़ा करके हार्ड हो जाता है। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वेट क्लॉथ और पॉलीथीन, क्योंकि मुझे तो काम नहीं होता है उससे। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जानता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा क्ले को बार बार तैयार करने में, लेकिन काम करने के समय सुकून तो मिलेगा, फुल कंसंट्रेट तो कर पाऊँगा, कोई डर तो नहीं रहेगा क्ले को लेके। ड्रेस का जो थोड़ा बहुत डिटेलिंग है जैसे कि प्लीट्स, बॉर्डर एक्सेट्रा, वो सब भी कंप्लीट कर दूँगा एकदम सिंपल तरीके से। अब मैं छोटा छोटा चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा और वो सब कंप्लीट करने के बाद ही हमारा पेंटिंग कंप्लीट होगा। मैं सोचा कि सीता माता की जो ऑर्नामेंट्स होगा वो फ्लावर और रुद्राक्ष का करूँगा और राम जी का ऑर्नामेंट्स सिर्फ रुद्राक्ष का। एक एक करके सारे ऑर्नामेंट्स कंप्लीट कर दूँगा और रुद्राक्ष का सेट मैं थोड़ा स्मूथलेस कर रहा हूँ जैसे रियल वाला रुद्राक्ष का होता है। मैं आपको हर बार एक बात कहता हूँ कि जितना आप पेशेंस रख के काम करोगे उतना ही आपका काम दिखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। बाद में सीता माता की हाथ में कुछ फ्लावर ऐड करके ये क्ले वर्क ख़त्म कर दूंगा।
अब आ गया थर्ड स्टेप विच इज़ द स्टेप ऑफ कलरिंग एंड आई एम यूजिंग एक्रिलिक कलर। मैं पहले पूरा पेंटिंग को वाइट कलर से कोटिंग कर दूंगा। द रीज़न इज दैट बाद में जो कलर होगा वो दिखने में एकदम क्लियर लगेगा। सॉरी गाइज, मैं एक बात बताना भूल गया कि क्ले एकदम सूख जाने के बाद ही कलर करना स्टार्ट करें। अब मैं सीता माता की फेस और बॉडी पे पीच कलर करूँगा और मैं पीच कलर क्रिएट करने के लिए व्हाइट, ब्राउन एंड ऑरेंज कलर यूज़ किया हूँ। अब मैं राम जी के फेस और बॉडी के लिए पुशन ब्लू, थोड़ा सा कोबल ब्लू, व्हाइट एंड थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके एक कलर क्रिएट किया हूँ। मैं परमानेंट येलो और स्कारलेट मिला के ये सेपरेट कलर क्रिएट किया हो राम जी और सीता माता की ड्रेस के लिए, क्योंकि हम लोग इस कलर के ड्रेस में ही ज़्यादातर इन्हें देखते हैं, है ना। आप लेमन येलो में थोड़ा सा परमानेंट येलो ऐड करके वो कलर राम जी की धोती में जो प्लीस टाइप का डिज़ाइन है ना उस पर अप्लाई कर दूंगा। सीता माता की ब्लाउज और ड्रेस का ऑल बॉर्डर्स रेड कलर कर दूंगा। अब रुद्राक्ष में सिर्फ ब्राउन कलर यूज करूंगा। और बाद में धनुष पर भी ब्राउन कलर का ही इस्तेमाल करूंगा। बालों पे ब्राउन और ब्लैक कलर एक साथ यूज कर रहा हूं। फ्लावर्स पे लाइट पिंक अप्लाई कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा बहुत शेडिंग भी कर दूंगा फ्लावर्स पे, थोड़ा रेड ऐड करके पिंक में। बैकग्राउंड के लिए मैं लेमन येलो और डीप ग्रीन एक साथ मिक्स करूँगा और वो कलर से पूरा बैकग्राउंड कवर कर दूंगा। ये कलर चूज किया हो क्योंकि मैं थोड़ा जंगल का लुक देना चाहता हूँ। बाद में कुछ पेड़ भी ऐड करूँगा। आप बारी आता है शेडिंग करने का। मैं शेडिंग करने के लिए एकदम इजी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। पहले जो कलर अप्लाई किया था उसका डार्कर वर्जन क्रिएट करूँगा, देन उसको अप्लाई करने के बाद वाटर से स्प्रेड कर दूँगा। यही टेक्निक से मैं पूरा शेडिंग कंप्लीट कर दूँगा। अब लेमन येलो कलर से ड्रेस का जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना चाहता हूँ वो कर दूंगा। आप जितना टाइम लेके ये डिटेल ऐड करोगे उतना ही आपका काम दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा ड्रेस का डिज़ाइन कंप्लीट कर दूंगा। अब राम जी का तीर रखने के लिए जो जगह होता है वो येलो आकर ब्राउन और ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लूँगा। देन मैं कंसंट्रेट करूँगा बैकग्राउंड के पेड़ पौधे पे। मैं पहले ही कहा कि बैकग्राउंड पे कुछ पेड़ पौधे ऐड करने वाला हूँ। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग सैप ग्रीन और थोड़ा सा लेमन येलो। उसके बाद डीप ग्रीन में थोड़ा लेमन येलो मिला के वो कलर भी उसके ऊपर ऐड करूँगा और एंड में सिर्फ लेमन येलो यूज़ करके थोड़ा बहुत पत्ते के शेप क्रिएट करूँगा और इसके बाद ही हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब राम जी और सीता माता की आंखें और जो जो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो झटपट कंप्लीट कर लूँगा और ये स्टेप ख़त्म कर दूँगा। We'll go through the wastelands, through the highways, and on and on.
कलर पूरा ड्राई हो जाने के बाद वार्निश से स्प्रे करके ये आर्ट पीस को एकदम लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर दूंगा। तो फिर कैसे लगे वीडियो, कैसे लगे पेंटिंग, कैसे लगे मेरा होल प्रोसेस, क्रिएटिविटी आप जरूर कम से बताओ। और इस वीडियो से कोई भी तू सभी सीख मिला या अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब जब हम वीडियो डाले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो चलो आप भी ये वाला पेंटिंग घर में ट्राई करो और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करो। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय, क्या मतलब, आपके लिए टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।